अस्सलाम वालेकुम। जो लोग FPSC, PPSC, SPSC के वन पेपर MCQs की तैयारी कर रहे हैं और जो SCSS के स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस वीडियोस में ये पास पेपर है, लेकिन इस वीडियोस में हमने क्या किया है, एक MCQ जो है उस MCQ से मुतल्लिका जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ डिटेल बन सकती है उसको डिस्कस किया गया है। जैसे ये एग्जाम्पल आप देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कन्वर्जेशन विद माई सेल्फ, ये किताब है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला के हवाले से PPSC, FPSC, SPSC और वन पेपर MCQ जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं नेल्सन मंडेला के हवाले से, वो तमाम क्वेश्चंस आपको यही सी एक क्वेश्चन के नीचे मिल जाएंगे। जैसे नेल्सन मंडेला का ताल्लुक किस कंट्री से है, साउथ अफ्रीका से। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी उससे भी ज्यादा मशहूर, यानी कि एक कन्वर्सेशन विद माईसेल्फ है। इससे भी ज्यादा जो उनकी फेमस बुक है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो इंतहाई उनका नोटेबल वर्क है, इंतहाई इंपॉर्टेंट बुक है। फिर उनके वाले से सवाल कि हाउ मेनी इयर्स ही सर्व्ड इन प्रेजेंट फर्स्ट प्रेजेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उनकी डेथ कब हुई, उनकी पोलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, उनको कौन कौन से प्राइज मिले थे, ये सारी डिटेल। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक MCQ और फिर उस MCQ से मुतल्लिका जितनी भी इम्पोर्टेंट वोकैब है, डिटेल है, जो पास पेपर्स में बार बार पूछी जा रही है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए ये एक बेहतरीन मेथोलॉजी है पेपर्स की प्रिपरेशन करने की। एक MCQ को लें और उसके मुतल्लिका MCQ तैयार करें। जो टॉपर्स होते हैं और जो अक्सर पेपर्स में अच्छे नंबर अचीव करते हैं, उनकी यही स्ट्रेटजी होती है। वो नोट्स इसी तरीके से बनाते हैं कि एक MCQ लेते हैं, उसकी डिटेल लिखते हैं और आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। तो मैं आपको वही डिटेल जो आप जिस पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता है, वो टाइम मैं स्पेंड करूंगा। आपका काम क्या है, इस डिटेल्स को प्रिपेयर करना, तैयार करना, और अल्लाह आपको मतलब कामयाब करे उस जॉब पर, टेस्ट देना, और इंशाल्लाह आप में वो अगर अच्छी तरीके से आप तैयार करेंगे तो कामयाबी भी आपको जरूर मिलेगी। चलिए हम इसको अब शुरू करते हैं स्टार्ट से। लेकिन अगर आपको ये वीडियोस ये और मेथियोलॉजी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, जिससे मोटिवेशंस आती है अच्छी खासी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो स्टार्ट से। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेरिट। डिस्पेरिटी का क्या सिनोनिम है, डिफरेंट, ये ऑप्शन में था। अब इसके मजीद कुछ और सिनोनिम्स हैं, जैसे डिसिमिलर, डिस्टिंक्टिव, नॉन आइडेंटिकल, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं जिनके मतलब एक ही है, डिफरेंट। डिसिमिलर जो सेम ना हो, डिस्टिंक्टिव जो जिनमें कोई व्यत्यास पाया जाता है, जिनमें कोई फर्क हो, नॉन आइडेंटिकल जो सेम ना हो, आइडेंटिकल ना हो। आइडेंटिकल क्या होता है, जिनमें सिमिलरिटीज होती हैं। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट का नाम क्या है, पेपर्स में हम लिखते हैं सहारा डेजर्ट, ऑप्शन में भी ठीक जो हमारा सहारा होता है, लेकिन सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट का नाम है एंटार्क्टिक डेजर्ट, और दुनिया का दूसरा बड़ा डेजर्ट है आर्कटिक डेजर्ट, और जो थर्ड डेजर्ट है ना वो है सहारा डेजर्ट। अब आप कहेंगे कि सर आप क्या कह रहे हैं, बात यह है जो एंटार्क्टिका डेजर्ट है ये एंटार्क्टिका में पाया जाता है, वहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, सारा बर्फानी एरिया है। आर्कटिक डेजर्ट ये भी वो कहते हैं कि बर्फानी एरिया है, ये भी आर्कटिक ओशन में वाली साइड में पाया जाता है। अब जो सहारा डेजर्ट है ये हमारे ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां पर पॉपुलेशन है, जहां पर आबादी है, इस आबादी का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा आता है। इसलिए हम कहते हैं सहारा जो ऑप्शन है, सहारा जो है ना वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट है। अब अगर ऑप्शन में एंटार्क्टिक डेजर्ट या आर्कटिक डेजर्ट आया हुआ है तो फिर आप कभी भी सहारा डेजर्ट को लार्जेस्ट डेजर्ट के जुमरे में शुमार मत कीजिएगा, इसको सर्कल मत कीजिएगा। फिर आप अगर आया हुआ है एंटार्क्टिक तो फिर आप इसे ऑप्शन कीजिएगा, अगर ये नहीं है और आर्कटिक का ऑप्शन है फिर आप उसे क्लिक कीजिएगा, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आपका सहारा डेजर्ट जो है ना वो सबसे बड़ा डेजर्ट आता है। अब हम साथ ही एशिया का देखते हैं सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, ये ऑप्शन भी आता है। तो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है अरेबियन डेजर्ट, और ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, यानी कि सहारा के बाद। वैसे तो अगर हम एंटार्क्टिक और आर्कटिक को भी शामिल करें तो नंबर फोर पे इसका नंबर वन रैंक बनता है अरेबियन डेजर्ट, लेकिन अगर हम अपने ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो उसमें सहारा नंबर वन पे है और नंबर टू पे अरेबियन डेजर्ट आएगा। मोलासिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डैश फैक्ट्री शुगर, तो मोलासिस किसकी बाय प्रोडक्ट है, ये शुगर क्या, यानी इससे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, इससे चीजें बनाते हैं, जिमनी पैदावार है किसकी, शुगर की।
अब शुगर का रॉ मटेरियल भी होता है, इसका सवाल बेहतर है। शुगर के रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं टर्बिनेडो शुगर कहेंगे। हिजाज माउंटेन आर फाउंड इन, हिजाज माउंटेन सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं। अब हिजाज माउंटेन, इसके हिजाज के वाले से सवाल, हिजाज किसे कहते हैं? ये हॉली लैंड ऑफ इस्लाम को हिजाज कहते हैं। अब इस्लाम की जो हॉली लैंड है, या फिर हिजाज के अंदर कौन से दो शहर आते हैं? एक आता है उसमें मक्का और दूसरा आता है मदीना। ये इसके वाले से सवाल थे। क्विक टाइम क्या है? क्विक टाइम एक मीडिया प्लेयर है, आईट्यून्स भी एक मीडिया प्लेयर है, विन अविनम एम्प भी एक मीडिया प्लेयर है, और डीवेक्स भी एक मीडिया प्लेयर है। तो इस तरह और भी काफी सारे मीडिया प्लेयर हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दो से तीन का जिक्र किया जो इम्पोर्टेंट है हमारे ध्यान नुकते नजर से। अतान इज अ ट्रेडिशनल डांस, इट इज अ पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स? तो अतान एक ट्रेडिशनल डांस है जो पश्तून के में बड़ा फेमस है, लेकिन अब हम कुछ और डांस भी देखते हैं। एक भंगड़ा डांस है पंजाब का, झूमर सराकी में बड़ा मशहूर है उनका ट्रेडिशनल डांस है, लुंडी पंजाब का ट्रेडिशनल है, खटक डांस केपीके का ट्रेडिशनल डांस है, और खटक डांस पाकिस्तान का नेशनल डांस भी है। द फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान टुक प्लेस इन, तो पाकिस्तान में पहला सेंसस क्या होती है? मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी पहली दफा 1951 में हुई थी, दूसरी दफा 1961 में, तीसरी दफा 1972 में, फिर 1981, 1998, 2017। यहाँ पर 4 से 5 सवाल यहाँ हमारे ऑप्शन में है। देखें, एक सवाल ये पहली मर्दमशुमारी कब हुई? 1951 में। दूसरा कि पाकिस्तान के अंदर अब तक कुल कितनी मर्दमशुमारी हो चुकी है? तो अब काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल 6 मर्दमशुमारी हो सकती है। तीसरा सवाल कि पाकिस्तान में आखिरी मर्दमशुमारी कब हुई? 2017 में हुई। चौथा सवाल, पाकिस्तान में मर्दमशुमारी कितने साल बाद होती है? तो वो जनाब 10 साल बाद होती है। पांचवा सवाल कि 1981 के बाद मर्दमशुमारी कितने साल बाद हुई थी? 17 साल बाद हुई थी। छठा सवाल यह में बनता है, ये सारे सवाल बेटा आए हुए हैं, मैं मतलब कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं बना रही हूँ, सवाल हैं जो आए हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इस हवाले से भी इन सवाल को अपने जहन में रखिएगा। छठा सवाल कि 1998 के बाद कितने साल बाद मर्दमशुमारी हुई? तो वो 19 साल बाद हुई। और सातवां सवाल कि अगली मर्दमशुमारी कब होनी है? वो मई, शायद मई 2027 तो क्लियर है, लेकिन मंथ मेरे ख्याल मई का मेंशन किया हुआ है, मई 2027 में हमारी अगली आठवीं जो मर्दमशुमारी है वो होगी। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, इसमें हमें एक सेंटेंस दिया गया, एम्प्लॉयर्स आर बिजी पीपल एंड दे डू नॉट हैव टाइम टू वेट। यहाँ पे हमने प्रपोजिशन देखनी है कौन सी प्रपोजिशन आती है, तो वेट अपने साथ प्रपोजिशन लेता है थ्रो, वेट थ्रो में होता है मे से, वेट होता है मतलब सर चीजों से। इस वेट थ्रो की प्रपोजिशन समझने के लिए हम नीचे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एज आई देन वेडिड थ्रू द मैनी स्टेज ऑफ ग्रीफ, तो मैं जब ग्रीफ यानी गम दुख की तकलीफ की बहुत सारी स्टेजेस से गुजरा, बड़ी मुश्किल से गुजरा। वेडिड थ्रू होता है मतलब बड़ी मुश्किल से गुजरना, और इसका मतलब होता है सर्जरी जायजा लेना भी होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एम्प्लॉयर्स जो बड़े बिजी लोग होते हैं, दे डू नॉट हैव टाइम टू वेट थ्रू, क्योंकि उन चीजों का सर्जरी से जायजा नहीं ले सकते, तो वेट अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं थ्रू। कैटेगरी ऑफ फंक्शंस इज यूज इन दिस फार्मूला, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला जो फाइनेंशियल में हम इसे फाइनेंशियल जो स्टैटिक्स में इसे इस्तेमाल करते हैं, तो PMT ये फार्मूला ऊपर अच्छी तरीके से देखिएगा, C/10, C/10/12 ये स्टैट का फार्मूला है, तो ये उसे अच्छी तरीके से वही समझ सकते हैं जो जिनका स्टैट सब्जेक्ट है, लेकिन आप इसे इतना सजेशन कर लीजिएगा ये जो फार्मूला है ये फाइनेंशियल फार्मूला इसमें इस्तेमाल होते हैं। विच कंट्रीज लोकेटेड एट द नॉर्थ ऑफ द अरेबियन सी, अरेबियन सी में तीन कंट्रीज आते हैं, ईरान एंड पाकिस्तान और इंडिया। ठीक, पर्शियन गल्फ को इज ऑल्सो नोन एज अरेबियन गल्फ, पर्शियन गल्फ को अरेबियन गल्फ भी कहते हैं, और क्वीन ऑफ द अरेबियन सी सिटी कौन सी, किसको कहते हैं? कोची। अगर प्रोनाउंसिएशन में मेरी मिस्टेक हो तो माजरत। इन एम एस वर्ड 2007, टू सेलेक्ट द प्रीवियस सेल्स कॉन्टेंट, अगर आपने प्रीवियस सेल की कॉन्टेंट को सिलेक्ट करो तो क्या करें? शिफ्ट प्लस टैब डायल करेंगे। कहता है कि पावर पॉइंट व्यू कौन सा ऑप्शन नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था इसमें से कौन सा पावर पॉइंट ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आउटलाइन व्यू नहीं है, लेकिन एक बात और जानी रखिएगा, जो 2016 का पावर पॉइंट है उसमें आउटलाइन व्यू भी आता है, 2016 से पहले के जो पावर पॉइंट व्यू वर्जन है उनमें दो आउटलाइन व्यू नहीं आता। ये देख जरा देखिए, व्यूज होते हैं दो तरह के, एक होता है प्रेजेंटेशन व्यूज होता है, दूसरा होता है मास्टर व्यूज। अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन व्यू में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हम करते हैं वो नॉर्मल व्यूज होता है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, नोट्स पेज व्यू है, रीडिंग व्यू है, ये सारे व्यूज आते हैं प्रेजेंटेशन व्यूज में। मास्टर व्यूज में आते हैं स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर। हु वाज ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु, फर्स्ट मुस्लिम अमंग स्लेव, गुलामों के दरमियान इस्लाम को बुलाने पहले मुस्लिम थे, लेकिन इनके वजह से और कई सवाल आते हैं, जैसे विच सहाबी नेम रिटन इन कुरान, कुरान में किस सहाबी का नाम लिखा हुआ है? तो ज़ैद बिन हारिस है। उनका नाम किस सूरत में आया? सूरह अहज़ाब में आया। सूरह अहज़ाब कुरान की
कौन सी सूरत है? तरतीब के नंबर के लिहाज से 33 नंबर आता है। सूरह अहज़ाब की किस आयत में, किस वर्ष में हजरत ज़ैद बिन हारिस का नाम आया? तो वर्ष नंबर 37 है। हाउ मेनी फीडर्स आर फिक्स्ड इन द बेस शटल कॉक विद रिस्पेक्ट टू बैडमिंटन गेम? कहते हैं कि जो बैडमिंटन के अंदर जो आप इस्तेमाल करते हैं फीडर्स, वो उसके अंदर कितने फीडर्स होते हैं जो मतलब आप वो इस्तेमाल करते हैं? मैं उसे बॉल तो नहीं कहूँगा, असल में ये बात यह है कि वो क्या शटल कॉक क्या होती है। शटल कॉक होती है जनाब, हम जो चिड़ी छक्का खेलते हैं उसमें जो वो चिड़ी इस्तेमाल की है जिसे हम कहते हैं शटल कॉक, वो बनी होती है उसके अंदर पार इस्तेमाल किए जाते हैं डाक के, यानी कि बत्तख के डाक पार इस्तेमाल किए जाते हैं उन परों की, इसे कहते हैं फीडर्स। उन फीडर्स वो उनकी तादाद कितनी है, हाउ मेनी फीडर्स, कितनी तादाद में कितनी होती है? वो होता है जनाब 16। अब एक और चीज़ आप देख लीजिए कि इसको बर्डी भी कहते हैं इसी शटल कॉक को। इसका वेट होता है 0.17 औंस या फिर 5 ग्राम, ये वेट्स भी पूछा जाता है। पिछले तो फॉलोइंग हैज द स्टेटस ऑफ एन ऑब्जर्वर स्टेट, यूएन ने कि दो कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है, एक है हॉलिसी और दूसरा है पैलेस्टीन। अशकाबाद इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमानिस्तान, ये है सेंट्रल एशिया का कंट्री। तो सेंट्रल एशिया के जितने भी जो 4-5 कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स बहुत दफा पूछे जाते हैं, तो आप इनको अभी यहीं पे देख लेते हैं। तो अशकाबाद हो गया तुर्कमानिस्तान का, किर्गिजिस्तान का बिश्केक, ताजिकिस्तान का दुशंबे, उज्बेकिस्तान का ताशकंद और कजाकिस्तान का है आस्ताना। व्हेन वाज कायदे आजम इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कायदे आजम जो हमारे पहले कानून असेंबली के जो प्रेसिडेंट कब बने, 11 अगस्त 1947 में उसके प्रेसिडेंट बने, और 11 अगस्त को उन्होंने यहाँ पे सवाल था कायदे आजम ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एड्रेस कब किया था, खताब कब किया था, वो भी 11 अगस्त। मौलवी तमीजुद्दीन खान जो थे ना वो डिप्टी प्रेसिडेंट बने, किसके? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट है वो मौलवी तमीजुद्दीन थे। हमारी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके कितने मेंबर्स थे? 69 मेंबर्स थे, ये सवाल आता है। बाद में कितने मेंबर ऐड हुए? 10, ये भी कई दफा ऐड हुए। टोटल कितने मेंबर हो गए? 79 टोटल मेंबर्स थे हमारी पहली जो कानून साज असेंबली थी। अब ये असेंबली जो है ना इसको अबॉलिश या सस्पेंड कब किया गया? 24 अक्टूबर 1954 में इस असेंबली को सस्पेंड कर दिया गया। किसने किया ये भी आता है, हु सस्पेंडेड? गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इसे सस्पेंड किया था। अ कार सेल्समैन सेल्स 42 कार्स एंड 14 ग्रीन कार्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेड कार्स टू द, हमने रेशियो मालूम करनी है कि रेड और ग्रीन कार्स के दरमियान रेशो क्या है। तो आंसर में इसका ठीक जवाब बता 3:1, कैसे? ये 42 उसकी रेड कार्स है और दूसरी कितनी है? 14। हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को 14 पर डिवाइड करेंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा 3:1। इन वर्ड प्रोसेसिंग व्हाट डज एन आईबीएम फैसिलिटेट? आईबीएम किस चीज को फैसिलिटेट करता है? आईबीएम जनाब करता है हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए ये फॉन्ट है, इस फॉन्ट में ये दिए गए हैं, ये बोल्ड करता है। नहीं, अगर आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना, बोल्ड करने से मतलब उसको मोटा करना हो तो कंट्रोल प्लस, ये देखिए कंट्रोल प्लस बी भी मिला सकते हैं, ये है आई आई इटालिक, आप कंट्रोल प्लस आई भी डायल करके उसको हाईलाइट कर सकते हो। ये होता है यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू डायल करके भी अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये काम क्या करता है, इसका आई बी का काम क्या होता है, हाईलाइट करना टेक्स्ट को, मतलब मोटा कर देना। हु वाज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी फ्रॉम 1933 टू 1945? कौन 1933 से 1945 जन्मे डिक्टेटर कौन था? वो था एडोल्फ हिटलर। उनके वाले से 2 सवाल और हैं, पॉलिटिकल पार्टी उनकी कौन सी थी? नाजी पार्टी। ऑटोबायोग्राफी उनकी, ऑटोबायोग्राफी जो बड़ी फेमस तरीन मतलब मशहूर तरीन ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या, मीन कैंप उसका नाम था। विच रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैज रिसीव्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ निशान हैदर? तो पंजाब रेजिमेंट है, अब तक टोटल 11 निशान हैदर दिए गए हैं, 4 पंजाब को मिले हैं, वो 4 लोग ये हैं, राजा मोहम्मद सरवर भट्टी, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर राजा अजीज भट्टी और नायक मोहम्मद मुहाफिज। एक सवाल ये आता है कि जो सबसे जो कम उम्र तरीन कौन सा फौजी है जिनको निशान हैदर मिला था, वो है जनाब राशिद मिनहास। कम उम्र भी है और उनकी सर्विस भी बहुत थोड़ी थी। सिंपलीफाई, ये एक आसान से सवाल है, पहले आपने क्या करना है, छोटी ब्रैकेट को हल करना है, 19 में 7 निकाले, कितने बच गए? 12। अब 28 में से 12 निकाले, बाकी कितने बच गए? ये 28 में से हम निकाले 12, बाकी रह गया 16। 16 में करिए 5 जमा, कितने हो गए? 21। अब 37 में से 19 की करेंगे माइनस, तो 16 आंसर आ जाएगा। हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जब पार्टीशन हुई थी तो जम्मू एंड कश्मीर रूलर कौन था? वो जनाब थे हरि सिंह था। ट्रीटी ऑफ एसेशन, ट्रीटी ऑफ एसेशन हुई थी 26 अक्टूबर 1947 में, यानी कि ये हरि सिंह ने इंडिया में जाकर पनाह ली और इन्होंने क्या किया, कश्मीर का इल्हाक कर दिया इंडिया से 26 अक्टूबर 1947 को।
फिर इंडिया ने मतलब जंग छिड़की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मुजाहिदीन जो थे उनके साथ इंडिया की जंग लगी, और इसमें क्या किया फिर इंडिया इस मैटर को लेकर गया यूएनओ में, कब लेकर गया या कब, 1948 में, और फिर यूएनओ ने क्या किया इस मैटर को सीज फायर कर दिया, जंग को सीज फायर कर दिया, जंग बंदी करवा दी, कब करवाई थी, यकम जनवरी 1949 में। तो इंडिया से अच्छी तरीके से याद कीजिए, कभी आ जाता है कि कब की सिर्फ साल पूछ ले जाता है, 1948 और 1949 ये दोनों डेट्स अलग अलग हैं, और कभी मंथ पूछ रहता है, और कभी मंथ की एग्जैक्ट डेट यकम भी पूछ ली जाती है। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंडीज, यहाँ पे एक सवाल तो सवाल के अंदर छुपा हुआ है कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज दुनिया के अंदर कौन सी है, वो है एंडीज। दूसरा सवाल यह है कि ये किस बराजम में है, तो ये साउथ अमेरिका में है, यानी और फिर ये इसकी लेंथ कितनी है, 4,350 माइल है और 7,000 किलोमीटर है। यहाँ पे एक और सवाल है कि ये जो माउंटेन जो रेंज एंडीज है ये किन किन कंट्रीज में है, तो है जनाब अर्जेंटीना में, बोलीविया में, चिली में, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू एंड वेंजुएला, इन तमाम को हम एंडियन स्टेट्स भी कहते हैं। तो इनमें से सवाल ये भी आ जाता है कि एंडियन स्टेट्स कौन सी हैं, तो तीन जो चार ऑप्शन है उनमें से तीन, उनमें से एक यहाँ से होगा, बाकी तीन कंट्रीज और होंगे। अब यहाँ पे एक और बात देखिए जो बहुत सवाल आता है कि साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ है, एकनकागुआ माउंटेन, एकनकागुआ। अब एक और दूसरा कि एंडीज रेंज का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, वो भी एकनकागुआ ही आता है। अब दुनिया की दूसरी जो बड़ी लॉन्गेस्ट रेंज है ना, वो है साउदर्न ग्रेट एस्कार्पमेंट, ये अफ्रीका में पाई जाती है, ये दुनिया की दूसरी लॉन्गेस्ट रेंज है, इसकी लेंथ 3,100 माइल और 5,000 किलोमीटर है, और जो हमारी हिमालय आई थिंक ये 6 नंबर पर आती है, जो एशिया की हिमालय रेंज है ना, आई थिंक ये 6 नंबर पर आएगी। विच नंबर विल कम्प्लीट द नंबर सीरीज, ये देखिए 2 है 5 12 38 और 57, इसको हल करते हैं, 2 + 3 कितने हो गए, 5 5 आ गए, अब हमने 12 लेकर आना है। अब जरा देखिए 5 + 7, अब पीछे हमारे पास था ये 5, हमने क्या करना है, ये जो आंसर हम लेकर आए हैं इसको हम ले जाएंगे आगे और इसमें जमा करेंगे 7। अब 7 कैसे आया, ये है 3, इस 3 में जमा किया 4, क्या हो जाएंगे 7, तो उस 5 में 7 जमा करें तो हो जाएंगे 12। ये वैसे मैंने यही मेंशन किया है, इसमें जो 3 है ये वाला 3 है और ये +4, ये हम हर एक में +4 अपनी तरफ से ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पर आंसर आ गया 12, ये 12 आ गया इस तरफ +11, अब ये 11 कैसे आया, ये 7 था, ये 7 मैंने यहाँ लिख दिया, 4 अपनी तरफ, इस 7 में 4 अपनी तरफ जमा गया, क्या बन गया 11। अब 12 में 11 जमा करें कितने हो गए 23, 23 वैसे वहां पर मेंशन नहीं था, ये मिस्टेक है स्टेटमेंट में, ये पीपीएससी की स्टेटमेंट में मिस्टेक है, मेरी नहीं थी, ये उनके पेपर में मिस्टेक आई थी। अच्छा अब ये बन गया 23, 23 + 15, अब ये 15 कैसे आया, ये 11 और +4 अपनी तरफ से, टोटल हो गया 15, 23 और 15 को जमा किया टोटल हो गया 38, 38 को फिर हम उठा के इधर ले आए, इसमें जमा किया 19, अब ये 19 कैसे आया, ये 15 और प्लस जो हम अपनी तरफ से सीक्वेंस के हिसाब से 4 जमा कर रहे हैं, तो ये 57, और इसी तरह ये जमा कहीं करने से बन जाएगा 18। कहता है कि आपने क्या किया टू इंश्योर द ग्राफिक, आपने ग्राफिक्स जो बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्स अंदर जो काम करा, कहते हैं जो आपने ग्राफिक्स तैयार किया है वो डिस्टोर्टेड ना हो, जब भी आप उसे रिसाइज करें वो डिस्टोर्ट ना हो, डिस्टोर्टेड मीन क्या होता है कि उसके अंदर कोई तब्दीली ना आए, वो कोई चेंजिंग ना आए, तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे लॉग एस्पेक्ट रेशियो, जो एस्पेक्ट रेशियो हम उसको लॉग कर देंगे। अब ये क्या होता है लॉग एस्पेक्ट रेशियो है असल में क्या, असल में हमारी जो तस्वीर के साइज होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, हम उस साइज को मतलब जब भी तस्वीर हम पावर पॉइंट के अंदर या वर्ड में कोई तस्वीर ले जाते हैं उसकी हम एडिटिंग करते हैं तो मुख्तलिफ शेप्स में करते हैं, ये 4:3 है, 4 उसकी विड्थ होती है, 3 उसकी हाइट है, इससे हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो, विड्थ और हाइट को कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो, नोन एज द स्टैंडर्ड साइज, ये स्टैंडर्ड साइज है, और 16:9 ये भी एस्पेक्ट रेशियो, इसे हम कहते हैं वाइड स्क्रीन रेशियो, स्लाइड साइज कहते हैं, और ये उसकी 16 उसकी विड्थ है और 9 उसकी हाइट है, और चाहते हैं कि इसमें हमने कोई साइज फिक्स किया, हम कहते हैं इसमें कोई चेंजिंग ना है तो हम क्या करेंगे, इस एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर देंगे, बस ये होता है लॉक रेशियो। इन विच सिटी इज द फेमस वजीर खान मॉस्क लोकेटेड, तो ये लाहौर में है, बात अब सिटी नहीं पूछा था, प्रोविंस पूछ लिया था, तो लाहौर यानी कि फिर पंजाब आएगा। अब ग्राउंड ब्रेकिंग, क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेकिंग से मुरादे कब बननी शुरू हुई थी, 1634 में, ये मुकम्मल कब हुई, 1641 में, इस मस्जिद को किसने बनवाया था, तो वो थे हकीम इल्मुद्दीन, अब हकीम जो इल्मुद्दीन है उन्हीं का नाम वजीर खां भी है, ठीक है ये ऑप्शन भी अच्छे तरीके से देखिए, हकीम इल्मुद्दीन नाम, द शॉर्टकट की टू बोल्ड द टेक्स्ट, हमने पहले से देख लिया था कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए मोटा करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बी डायल करेंगे, ये जो मेरे पास आपको वीडियो में टेक्स्ट नजर आ रहा है ये कंट्रोल प्लस बी डायल करके मैंने इसको किया होगा, बोल्ड किया होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ हदीस,
विच इज अकॉर्डिंग टू द होली कुरान, यानी ऐसी हदीस जो कुरान के मुताबिक उसे हम क्या कहेंगे, हदीस से सही कहेंगे। विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट, एम एस वर्ड को स्टार्ट करने की कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है विन वर्ड डॉट एक्स, और पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए होती है पावर पॉइंट डॉट ई एक्स ई। अब यहाँ पे ये स्पेलिंग देखिए, पावर और पॉइंट, पॉइंट के पूरे स्पेलिंग नहीं आते, ऑप्शन में पूरे स्पेलिंग वाला ऑप्शन भी आता होता है तो आप उसे क्लिक नहीं करना, जिसमें पी एन टी आई वो आपने क्लिक करना है। टेम्परेचर इज मेजर, टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। थर्मामीटर के वाले से तीन सवाल देखिए, दो से तीन सवाल है। एक, ये थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया था, वो थे जनाब सेंटोरियो, जो जिनका ताल्लुक इटली से था। ये कब हुआ इन्वेंट किया था, 1612 में। अब दूसरा सवाल था, मरकरी जो थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया, ये कहते जनाब दानियल जिब्रील गिब्रील फारेनहाइट ने, कब किया, 1714 में। अब ना सिर्फ मरकरी थर्मामीटर बल्कि फारेनहाइट थर्मामीटर भी डेनियल गैब्रियल ने ही किया था। ये जबरील है या गैब्रियल है, ये प्रोनाउंसिएशन में मेरी मिस्टेक मुझे लगता है, इसके लिए भी माजरत। क्लीवलैंड डैम इज बिल्ट बिल्ट ऑन कैपलेनो रिवर ऑफ डैश, तो क्लीवलैंड डैम जो है ना, ये हमने कैनेडा, ये सॉरी हमने क्या, ये कैनेडा में पाया जाता है, कैनेडा के अंदर एक प्रोविंस है उसका ब्रिटिश कोलंबिया, उसके अंदर ये क्लीवलैंड डैम है, ये कैपलेनो रिवर में पर बनाया गया। कब बनाया, 1954 में ये डैम बनाया गया था। इसका नाम जनाब जो है ना, एक इंजीनियर जो उनके थे अर्नेस्ट अल्बर्ट क्लीवलैंड, उनके नाम पर रखा गया। सिनोनिम ऑफ इमेंसिपेट, इमेंसिपेट होता है किसी चीज का नुमाया होना, सॉरी इमेंसिपेट होता है किसी को रेस्ट्रेंट करना, रेस्ट्रेंट के तो पाबंदियों से फ्री कर देना, पाबंदियों से आजाद करना, मतलब इसका सिंपल से कहते छोड़ देना, आजाद कर देना। तो इन लार्ज होता है बड़ा, जो चीज बड़ी होती है वो तो आजादी के मान में उसको इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज फिट आते हैं वो होते हैं अनफेटर्ड। फेटर होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, पॉम में लोगों की बेड़ियां होती हैं कैदियों के, उसे कहते हैं फेटर। उन बेड़ियों को खोलना, खोल कर आजाद करना होता है अनफेटर्ड। शैकल क्या होता है, जो हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है उसको हम अन लगाकर अनशैकल हो जाएगा, यानी कि हथकड़ी खोलकर आजाद कर देना। फाइंड द रिलेशनशिप, जू के ताल्लुक होता है एनिमल से, जू में क्या होता है, जू होता है चिड़ेगा, चिड़ेगा में हम क्या होते हैं, हम जानवर रखते हैं मुख्तलिफ किस्म के। इसी तरह एक्वेरियम में क्या रखेंगे, एक्वेरियम में हम फिश रखेंगे। एक्वेरियम क्या होता है, आर्टिफिशियल पाउंड हो सकता है या गिलास पाउंड भी से कहते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की फिशेज रखते हैं, फार्मिंग फिशेज भी कह सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, तो इसका हमने पहले थोड़ा सा सरसरी देखा था, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ किताब है नेल्सन मंडेला की, ये कि इनका नेल्सन मंडेला किस, इनका ताल्लुक किस मुल्क से है, साउथ अफ्रीका से है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी उनकी ऑटोबायोग्राफी है। हाउ मेनी ईयर्स ही सर्व इन प्रिजन, इन्होंने कैद में कितने, कैद खाने में या जेल में कितना अर्सा गुजारा, 27 साल गुजारे। कब से कब तक, 1964 से 1990 तक। कब उनको रिहा किया, 1990 में, ये डेट बहुत पूछी जाती है, और ये पीरियड भी 27 साल वाला। साउथ अफ्रीका पहले प्रेसिडेंट नाम क्या है, वो है जनाब नेल्सन मंडेला है। इसके अलावा उनकी डेथ कब हुई, 5 दिसंबर 2013 में उनकी डेथ हुई, ये सवाल भी पूछा गया पीपीएससी पेपर में। और पोलिटिकल पार्टी अफ्रीकन कांग्रेस, उनकी पोलिटिकल पार्टी का नाम क्या, तो वो था जनाब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सखारोव प्राइज उन्हें मिला था 1988 में। इस प्राइस का आगाज 1988 में किया गया था, इसको आगाज करने वाले थे जनाब यूरोपियन पार्लियामेंट है, उन्होंने इसका आगाज किया। हर साल ये प्राइस दिया जाता है, और अगर 2021 की बात करें तो ये प्राइस मिला जनाब अलेक्सी नेवलनी, जिनके ताल्लुक रशिया से है और रशिया के लायक भी हैं, और ये अपोजिशन लीडर भी हैं। भारत रत्न इन अवार्ड भी मिला 1990 में, निशान ने पाकिस्तान 1992 में, नोबेल पीस प्राइज 1993 में, और लेनिन पीस प्राइज 1990 में नेल्सन मंडेला मिले हैं। विच कम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू अंडरलाइन टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस यू। सरोनिम ऑफ कैनी इज होता है क्लेवर, कैनी मीन होता है चलाक, होशियार, समझदार। क्लेवर एस्ट्यूट भी होता है चलाक, समझदार। शार्प आइड होता है चलाक, समझदार। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इज बॉरीड एट, वो बैतुल मुकदस में मदफन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अब सवाल ये आता है कि बाद दफा ये होता है बैतुल मुकदस का ऑप्शन होते नहीं है, वहां पे यरूशलम आता है, तो बैतुल मुकदस यरूशलम ही है, इसलिए आपको यरूशलम आंसर भी ठीक बनता है। कॉम्रेड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इनके वाले से ये सवाल मशहूर सवाल है कि कॉम्रेड किसका न्यूज़पेपर है, मोहम्मद मोहम्मद जोर का, ये किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में है, ये उन्होंने कब जारी किया, 1911 में किया। और ये जो न्यूज़पेपर है इसका ताल्लुक ये किस शहर से निकलता था, कोलकाता से निकलता था। हमदर्द किसका न्यूज़पेपर है, मौलाना मोहम्मद जोर का, किस लैंग्वेज में, उर्दू, उर्दू न्यूज़पेपर है ये। कब जारी किया, 1913 में, किस शहर से, दिल्ली से। अच्छा, और इनका काम ये था कि 1920 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कब बनी, 1920 में, तो उसमें एक पार्टनर मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी थे इसके बनाने में। वाइफ नेम, उनका नाम था अमजदी बेगम, ये नाम भी कई दफा आया हुआ है।
तो मौलाना मोहम्मद अजहर के वाले से इतने फेमस तरीन क्वेश्चन है, मशहूर तरीन क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए हैं। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट ऑन द रिवर। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो झेलम पर रिवर झेलम पर बनाया गया है, किशन गंगा एक रिवर का नाम भी है इंडियन हेल्ड कश्मीर में। इसकी कंस्ट्रक्शन आगाज हुआ था 2007 से और 2018 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी 330 मेगावाट है। हजाज बिन यूसुफ जो है उन्होंने डिमांड कंपेंसेशन, जो राजा दाहिर था सिंध का रूलर, उससे उन्होंने कहा था कि जो आपने कश्ती का माल औजार लूटा है उससे वापस करें। तो राजा दाहिर उसको कहता, राजा दाहिर ने वापस नहीं किया था। तो ये हजाज बिन यूसुफ का ताल्लुक है ताइफ ट्राइब से। तो मोहम्मद बिन कासिम को हजाज बिन यूसुफ ने भेजा था कब, 712 में, उस राजा दाहिर से फाइट करने के लिए। और मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक है बनू सकीफ ट्राइब से, ठीक है। ये वो ट्राइब है जिनकी वादी तैफ, जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग के लिए गए थे तो उन्होंने आप सल्लम पर पत्थर बरसाए, जिसकी वजह से पूरा जिस्म हमारे लहूलुहान हो गया खून बहने से। लेकिन आप सल्लम ने बाद दुआ नहीं की और आपने कहा था कि इस कबीले में शायद कल को ऐसे लोग आए जो इस्लाम की खिदमत करेंगे, तो उनमें ये दो नाम बड़े मशहूर है। ये सवाल भी एक दफा आया हुआ था कि आप सल्लम ने जिनका इन कबाइल के बारे में ऐसा कहा था, तो वहां से कुछ लोग आए थे जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की, तो वो कौन से लोग, दो बंदे हैं वो जनाब ये वाले हैं, हजाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम। हजाज बिन यूसुफ ने कुरान पाक के राब भी लगवाए हैं। हस्बैंड एंड वाइफ हैड सिक्स मैरिड सन्स, उनके छह शादीशुदा बच्चे हैं। एंड ईच ऑफ देम हैड, जिस और उनमें सारे के पांच बच्चे हैं। हाउ मैनी मेंबर्स फैमिली के टोटल कितने बच्चे होंगे, टोटल होंगे 44। कैसे, ये सिक्स उसके अपने बच्चे हैं और पांच उनके बच्चों के बच्चे हैं, 6 5 30, टोटल 30 बच्चे हो गए। ये सिक्स उनके बच्चे हैं और सिक्स छह उनकी बीवियां हैं, यानी कि किन के बच्चे हैं, यानी वो जो पेरेंट्स की बात हो रही है। तो यानी सिक्स हस्बैंड सिक्स वाइफ, 6 6 12, और ये एक फादर है और ये एक मदर है, एक ये दो, इन सबको गुरे जमा तो 44 साथ हैं। मारी बॉट अ लैपटॉप एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस, शी सोल्ड इट, उसने 20% डिस्काउंट पर खरीदा और 40% इंक्रीज करके ऑन द प्राइस शी बॉट, जिस प्राइस उसने खरीदा था उस पर 40% इंक्रीज करके बेचा। इतने हर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, उसकी परसेंटेज प्रॉफिट मालूम करें ओरिजिनल प्राइस में, वो बनती है 12%। कैसे, ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, आप इसे आराम से हल कीजिए। डिस्काउंट उसके कितना, 20% है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, हम फर्ज करते हैं 100% है, तो हम क्या, उसने कितना उसने इंक्रीज करके बेचा था, 40%। तो 100 में हम 40 करेंगे प्लस, तो 140 प्लस हो जाएगा। फार्मूला ये है, बस हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, एम पी इज इक्वल टू सी पी, ये स्टार जो ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो सी पी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। अब अपने प्रॉफिट मालूम करना है तो हम ये ऊपर वैसे वैसे रहेगा, तो डिस्काउंट हमें पहले पता, उसे डिस्काउंट होता 20, 100 में से 20 क्या बचा 80, आगे हमारे पास आ जाएगा जनाब। ये देखिए ये जो फार्मूला होता है साइंस का, मैथ का, वो ये 140 जरब 80, इधर 80 था बटे में डिवाइड हो रहा था उधर जाकर जरब खा जाएगा, इधर 100, ये वाला 100 इस 100 से जरब खा रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। इसको आप इजीली, आगे आसान से मेथड, कोई मुश्किल नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको इजीली हल कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक, शर्मा वाज इल, तो इल के साथ दो प्रेपोजिशन आती है, विद भी आती है और ऑफ भी आती है। इल के साथ हम विद प्रेपोजिशन तब इस्तेमाल करते हैं जब हम बुखार में, तबीयत हमारी खराब हो, बुखार में उतरा हो जाए, तब कहते हैं इल विद। और बास इल को हम, इल जो वर्ड है इसके हम इस्तेमाल करते हैं बुरे के सेंस में भी, तो जब इल को वर्ड बुरे के सेंस में इस्तेमाल किया तो इसके लिए साथ प्रेपोजिशन आती है ऑफ। विच पॉइजनस गैस इज प्रोड्यूस जब हम, व्हेन कोल इज बर्न्ड, जब हम कोल को जलाते हैं तो कौन सी गैस, जहरीली गैस पैदा होती है विदाउट इनफ एयर सप्लाई, वो होती है जनाब कार्बन मोनोऑक्साइड। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम और डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का करेक्ट जो इडियम आता है अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि छुपा रुस्तम। द टर्म हंग पार्लियामेंट डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच, तो हंग पार्लियामेंट में उस पार्लियामेंट कहते हैं जिसमें कोई सिंगल पार्टी की मेजोरिटी ना हो, नो सिंगल पार्टी हैज अ मेजोरिटी इन द हाउस। हु आर द चैंपियंस इन 2018, 2018 में जो फीफा का वर्ल्ड कप, उसका चैंपियन कौन है, उसका चैंपियन है जनाब फ्रांस। मजीद दो तीन सवाल और हैं कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप है किसने होस्ट किया, रशिया ने किया। रनर अप टीम कौन सी थी, क्रोशिया थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन होस्ट कर रहा है, कतर कर रहा है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, कनाडा, यानी कि कनाडा, मैक्सिको और यूएसए तीनों में मिलकर हो रहा है। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग केस, तो सेंटर अलाइनमेंट हम करते हैं कंट्रोल प्लस ई, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल और राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर।
मेटाकार्पल बोन्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द मेन बॉडी? तो मेटाकार्पल बोन्स एक नाम है बोन्स का, ये हैंड में पाई जाती है। इस तरह पैटीला बोन, ये कहाँ पाई जाती है? हमारे घुटने में, नी नी कहते हैं घुटने, घुटने में पाई जाती है। तो हमारी टांग में तीन और बोन्स भी हैं, जिनमें एक है टीबिया, एक फीमर और एक फिबुला। कंप्लीट द नंबर सीरीज 2, 6, 18 एंड 54। यहाँ पर स्टेटमेंट में गलती हुई है, 6 के बाद एक और ऑप्शन रहता है, 23 का भी आता है स्टेटमेंट में। ये पीपीएससी जो पेपर था वहां पर ये मिस्टेक हुई हुई है। इसका ठीक आंसर बनता है 162। कैसे बनता है हम अभी देखते हैं। 2 × 3 = 6, 6 × ये जवाब 6 आया, इस 6 को देंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 18, ये 18 जवाब है, इसे 18 से देंगे 3 से जरब तो आ जाएगा 54, इस 54 फिर देंगे 3 से जरब 162, इन सबको हम क्या करेंगे, 3 से जरब देते जाएंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो हम पार्ट वन में इसके 50 क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छा मेथड, आप इसको याद करने में आसानी होती है, तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, और फिर मैं आप इसका पार्ट टू भी और फिर आगे मजीद इस तरह की वीडियोस प्रिपेयर करूंगा, जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चन होंगे, एक जो एमसीक्यू है उससे मुतल्लिका, जो 3 से 4 एमसीक्यूज हैं या 4 से 5, जो भी उसकी डिटेल होती है, हम उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी ही आज की वीडियो है। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।